ये एडमिशन ऑफिस अमेठी यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। हर चीज़ में ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ऑनेस्ट रिव्यू, पीजी लो, हॉस्टल मत लो अमेठी का। तो अमेठी की भाई पूरी सॉलिड जानकारी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम सोच रहे हैं कुछ अलग करने का, चलते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी साइड, कुछ बना के लाते हैं व्लॉग व्लूग, कुछ लेविस बनाते हैं। तो जय बजरंगबली, महाशिवरात्रि आज, और मंदिर है महाशिवरात्रि। चलो चलते हैं बम बम बोले भाई। हम पहुंचने वाले हैं अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, मात्र एक मिनट में। ये वाला रोड है, एक नंबर गेट, कौन सी गेट लू भाई। इस हम पहुंच चुके हैं अमेठी यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्लॉक पे। आज हम कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, लेविस देखते हैं क्या करना आज। तो भाई हम जा रहे हैं अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर, आज सैटरडे है तो आज गाड़ी की पार्किंग का थोड़ा इश्यू होता है अंदर का। तो हम देखते हैं ओपन पार्किंग खुल रही हो तो वहाँ से एंट्री लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। भाई फोटो खिंचवा रहे हैं, ये भाई आए हैं, देखो नेक्स्ट इनका हमारे बहुत ही लेविस। रायपुर में इनका नाम है, अमेठी इनके नाम से चलती है। ये भी 18 इंची है, भी 18 इंची है, ये अमेठी 19 इंची है। और देखो HR 51 और HR 50। हाँ। और राजन भाई का फर्क है बस, कोई दिक्कत ना, एक ही नंबर ले लेंगे कभी आए हो। आज हम अमेठी के दौरे पे हैं। तो भाई अमेठी तुमने देख लिया है, और अमेठी में प्रोजेक्ट बहुत बने हैं। तो किसी को प्रोजेक्ट, डाइजेटेशन फाइल, रिसर्च पेपर, वेबसाइट कुछ भी बनवाना हो तो हमारे एक भाई का पेज है अमेठी प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस, मैं लिंक में दे दूंगा। और ये पेज है इंस्टाग्राम का, तो देख लो। मैं कह रहा हूँ बहुत ही जेन्युइन काम है, ट्रस्टेड पेज है, मेरी जिम्मेदारी है। और बताऊँ लिस्टेड वैगनर भाई है, तो डांस हो रहा है, डांसिंग का ऐसे घुमानी चाहिए ये। तो भाई देखो आपने ऐसे यहाँ खेल होते रहते हैं। ये हमारे भाई थे रक्षित डागर, नाम याद रख लेना, फॉर्चुनर टूटी थी इनके भी। भाई आज हम आए पहली बार विजिटर बन के, मैं अपने एडमिशन पे भी ना आया था। ऑफिस अमेठी यूनिवर्सिटी, मैं भाई हेमंत, आज एडमिशन ले ही लें ले। तो जब लिया था वो तो मैं जब पहली बार आया ना, एमटेक में ले ले भाई, एमटेक करेंगे। तो भाई हम गए थे अमेठी में एडमिशन ब्लॉक में, आज सैटरडे है तो अमेठी टूर तो आज नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को आज एज ए फ्रेशर लेना था। मतलब वैसे तो एंट्री हो जाएगी पर फ्रेशर के थ्रू नहीं होगी आज, जो होता है ना विजिटिंग पास। तो अब मैं दिखा रहा हूँ तुमको अमेठी के बाहर पीजी का रास्ता। तो ये है गेट नंबर 2 और 2A के बीच में एक बैरियर लग रहा है, उसके सामने घुस जाओगे तो ये रोड है। तो यहाँ पे सारे पीजी हैं, गर्ल्स पीजी है पहला वाला, और ये हमारी भाटी जी की दुकान है, कैफे है, दुकान नहीं है। और ऐसे लेविस लेविस से पीजी दिखाते हैं। देखो भाई ये पूरी गली है अमेठी का, हॉस्टल मत लेना, हॉस्टल इज वेरी बैड कंडीशन। तो भाई ये है गर्ल्स पीजी, ये भी गर्ल्स है, ये बॉयज है। और मैं कह रहा हूँ हॉस्टल से ज़्यादा बेस्ट होगा पीजी, क्योंकि खाना वाना सब बढ़िया, बाहर खा लो अगर अंदर भी बढ़िया नहीं लग रहा किसी को तो, पर हॉस्टल से जो लाख गुना बढ़िया है यहाँ का। ये जिम है जिसमें हम जिम करते हैं, अब हमारे ब्लॉग देख सकते हो, ये अभी चली रही है। और देख लो आप, ये भी गर्ल्स पीजी है, ये पीछे बॉयज था, और ये राम राम जी। और ये चाय सुट्टा बार है, इसकी हम प्रमोशन कर देते हैं आज हल्की सी। और देखते रहो आप, ये पीजी है, यहाँ पे स्नूकर टेबल भी लग रही है। ये गर्ल्स पीजी है सारे, ये बॉयज है। तो भाई वो थी हमारे अमेठी के सामने की पहली वाली गली, वहाँ के पीजी हैं थोड़े एक्सपेंसिव, अगर किसी को सस्ते वाले चाहिए थोड़े उससे सस्ते, पीजी बेकार नहीं है, बस वो है गली गली का फर्क है। देखो ये पीजी है भाई का, ये भी एक का,
और ये देखो सामने सारे पीजी हैं, तो यहाँ पे आप रूम ले सकते हो। और अगर आपको पीजी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम मैं तनवर किंग अपनी प्रोफाइल मेंशन कर देंगे बायो में, तो वहाँ मैसेज कर देना। आपको गर्ल्स पीजी, बॉयज़ पीजी और कोई भी पीजी चाहिए तो मिल जाएगा। ऑफिस वाले हों तो ऑफिस वाला मिल जाएगा, एग्रीमेंट विदाउट एग्रीमेंट। दिस रोड इज जेवरॉन रोड, इसको जेवरॉन बोलते हैं। ये अमेठी का गेट नंबर 5, ओपन पार्किंग है ये। यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा गाड़ी पार्क हो सकती है अमेठी की। और अगर किसी को फ्लैट चाहिए, सुपरनोवा बिल्डिंग सामने है। और किसी को खाली जगह चाहिए, खेत खिलिया नहीं रही। वाई आर लाफिंग ब्रो? नो नॉट आर लाफिंग। भाई आप अमेठी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? आप सेकंड ईयर में आ गए हो, देखो गाड़ी को हिला रहा था कुछ है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी है, अच्छी है पढ़ाई, अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी है। अगर आपका जी में फॉर एडवांस नहीं हो रहा था, प्लेसमेंट लगी, प्लेसमेंट लगी तेरी भाई। अभी हम सेकंड ईयर में हैं, ट्राई करेंगे ना। हां तो प्लेसमेंट की तेरे को क्या पता भाई। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना रिव्यू देता हूं, अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो अमेठी में एडमिशन ले लो, तुम पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं पढ़ोगे फिर, सही बता रहा हूँ। तुम्हारे इधर उधर ध्यान भटक जाएगा, यहाँ दुनिया भर की गाड़ी घोड़ा सब सोचते हैं पैसा पैसा पैसा, कुछ नहीं है, एक शरीफ हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ सकते हो, प्लेसमेंट ठीक ठाक है अगर तुम चाहते हो प्लेसमेंट लगना है। सुपरनोवा की बिल्डिंग, किसी को फ्लैट फ्लैट लेने हो यहाँ भी मिल जाते हैं, मतलब लेविस फ्लैट लेने हो किसी को, पीजी वीजी लेना तो वहीं अपना दिखा दिया तुमको सबको, अभी तुम्हें दिखाएंगे और कुछ बहुत कुछ। और तो भाई पीछे वाला आदमी देखो मजा आ, पीछे बैठना खतरनाक है वैसे। इन्हें बहुत यार दोस्त हैं, देखो गार्ड गार्ड देख रहे हैं। देखो भाई किसी बच्चे को नए नए पीजी नया नया कॉलेज आता है तो उसके घर वाले परेशान रहे, मैं कहाँ रहेगा कहाँ रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई पीजी लो, हॉस्टल मत लो अमेठी का। तो अमेठी की भाई पूरी सॉलिड जानकारी है, कोई कुछ भी पूछ लो हॉस्टल के बारे में, पीजी के बारे में, फ्लैट के बारे में, मेरे को डीएम कर लेना भाई, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज़ में। भाई इधर साइड जा रहा हूँ तो ये अमेठी है सामने, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ में ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ऑनेस्ट रिव्यू देखो, किसी को पढ़ना है, मैंने यहाँ 44-44 लाख के पैकेज लगते हुए देखे हैं कोई पढ़ने वाले वाला को। और लॉ लॉ में भाई देख अच्छी अच्छी फैकल्टी हैं दुनिया भर की, अच्छे अच्छे लोग एक्सप्लोर के लिए, मतलब तुम्हें अगर तुम अपने पे फोकस रहोगे तो ये यूनिवर्सिटी बढ़िया है, कोई कमी ना भाई इसमें। और तो भाई देख यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं, आदमी करने का तो कहीं से भी कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं सरकारी स्कूल से पढ़ के दुनिया में आईएएस बन गई तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, सही है। तो भाई टम्पू पिच कर ले, भाटी जी आ रहे हैं डीवीज वाले। तो भाई हमने आज बहुत कुछ किया है, आप व्लॉग में देख चुके हो हमारा सब कुछ, बहुत ज़्यादा कर लिया है, इतना भी नहीं करना होता। हाँ आप सुबह ध्यान रहे हैं फ्री ज़्यादा आना, हम कुछ वेले वेले भाई। भाटी जी की कॉफ़ी नहीं बिक रही है तो हमारे खेल घूम रहे हैं पर बिके बहुत है, फुल भाई आती कर रही है भाटी जी। हाँ स्कॉर्पियो एन में, हाँ स्कॉर्पियो एन में भाटी जी, थार भी है, बहुत कुछ है भाटी जी के पास। आओ किसी दिन डीवीज कैफे में बैठो, ऊपर दिखेगा तुम्हें बहुत कुछ। भाटी जी ने कॉफी, भाटी जी फ्री नहीं मिलेंगे, यो कहते तू कौन भाटी जी ने कॉफी से थार ले ली, स्कॉर्पियो ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली, एमबीए चाय वाला तो बेकार बदनाम है, ये होने चाहिए। और देखो ये आ गया डीवीज, चीता ही तह दे शेर, शेर चीता ही तह दे बड़ा तारा। हम आ गए पार्किंग में और व्लॉग अपना बन गया है जो बनना था, लेविश व्लॉग। और हमें ठीक है आपके सब कुछ रिव्यू आज क्लियर हो गए होंगे, और रह गए हो तो बता देना किसी भी कोर्स के बारे में, किसी भी कुछ भी कोई दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, रिप्लाई जरूर दूंगा, सारी जानकारी है अमेठी के बारे में, ठीक है जी। और गाड़ी की भी अपनी पूरी जानकारी होगी, अब बजरंग बली की दुआ से सिस्टम हैंग कर देंगे, बस व्लॉग्स लाइक शेयर कमेंट करो और फैला दो।